बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में मैं क्विकली आपके साथ एक मैक्रो शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम फायरवर्क लाइक एनिमेशन जो सी है वो एक्सेल में बना सकते हैं। तो मैं पहले उस मैक्रो को एक दफ़ा रन करके आपको दिखा दूँ कि किस किस्म की एनिमेशन है। तो हर क्लिक पर इस तरह ये डिफरेंट कलर की रैंडम कलर सेलेक्ट होगा और ये बॉल्स जो सी हैं नीचे से ऊपर बॉटम से टॉप की तरफ जाती नजर आएंगी और एक फायरवर्क लाइक एनिमेशन का की हमें फील आएगी। तो रन इसे जिस तरह कोई भी मैक्रो करनी है उसी तरह करना है। डेवलपर टैब में आप जाएंगे, विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और मॉड्यूल पे और नया मॉड्यूल एक इंसर्ट कर ले और उससे, या ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे तो उससे भी ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो उससे आपने इंसर्ट मॉड्यूल करना है। ये मॉड्यूल ऑलरेडी इंसर्ट है और उसमें ये मैक्रो डली हुई है। मैं मैक्रो आपके साथ शेयर कर दूंगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, या एक मेरा एक्सेल का ब्लॉग है ब्लॉगर में, उसमें मैं पेस्ट करके तो उसका लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये आप मैक्रो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके सारे स्टेप्स जो उनसे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये देखिए टॉप पे सारे वेरिएबल डिफाइन हो रहे हैं, ये भी वेरिएबल डिफाइन हो रहे हैं, एक्टिव शीट, वर्कशीट, स्टार्ट में हम क्लियर कर रहे हैं, पार्टिकल या बॉलों के काउंट हम कर रहे हैं, बॉल का साइज सेट कर रहे हैं, कलर यहाँ पे सेट कर रहे हैं रैंडम, और उसके बाद ये दो एक लूप है। और इस तरह से जब एनिमेशन चल जाएगी तो उसके बाद हम उन्हें डिलीट कर रहे हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी है। आई होप कि ये आपके लिए एक्सेल वीबीए को समझने में भी हेल्प करेगी कि किस तरह से हम एक्सेल वीबीए में एक एनिमेशन लाइक इफेक्ट ला सकते हैं। रन करने के लिए आप इधर बटन इंसर्ट कर लें, डेवलपर टैब में जाएं, इंसर्ट में जाएं, ये वाला जो बटन है और उसको मैक्रो असाइन कर लें। इधर से भी रन कर सकते हैं, ये प्ले का बटन है, मॉड्यूल में डाली और हर क्लिक पे इस तरह ये एनिमेशन की तरह चलेगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।